हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट मैथ्स के फुल समर वैकेशन के होमवर्क को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फिल द कैलेंडर ऑफ अप्रैल टू बच्चों यहाँ पर आपको अप्रैल दो के कैलेंडर को भरना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो बच्चों यहाँ पर हम अप्रैल के कैलेंडर को भर लेंगे अप्रैल में कितने डेज हैं थर्टी डेज हैं क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बच्चों अप्रैल दो हज़ार इक्कीस में कितने दिन हैं तो तीस दिन हैं यहाँ कैलेंडर में आप देख सकते हैं व्हाट इज द डेट ऑन सेकेंड ट्यूजडे ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बच्चों अप्रैल में सेकेंड ट्यूज़डे को कौन सी डेट है तो यहाँ पर देखेंगे थर्टीन है नेक्स्ट है हाउ मैनी संडेज आर देयर इन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बच्चों अप्रैल में कितने संडे हैं तो यहाँ पर देखिए कितने संडे हैं तो बच्चों फोर संडेज़ हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रिपेयर आ टेबल मैंसनिंग डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली बच्चों सभी अपने मेम्बर्स की डेट ऑफ बर्थ को मैंसन करते हुए टेबल बनाएंगे विथ देयर नेम्स उनके नाम भी लिखेंगे एंड रिलेशन विद्यू और आपका उनसे क्या रिलेशन है उस रिलेशन का नाम भी लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है नरेश रिलेशन है फादर डेट ऑफ बर्थ है ट्वेंटी वन सेप्टेम्बर नाइन्टीन नाइन्टी वन एज है थर्टी वन ईयर्स नेक्स्ट है मीना रिलेशन है मदर का डेट ऑफ बर्थ है सेवनटीन मार्च नाइन्टीन नाइन्टी थ्री एज है ट्वेंटी नाइन ईयर्स नेक्स्ट है राजू रिलेशन है ब्रदर का डेट ऑफ बर्थ है फिफ्टीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेल्व एज है नाइन ईयर्स सोनू मेरा स्वयं का नाम है यानी कि जिसके फैमिली के बारे में लिखा जा रहा है उस स्टूडेंट का नाम सोनू है उसकी डेट ऑफ बर्थ है टेन अप्रैल टू थाउजेंड थर्टीन कितनी एज है एट ईयर्स तो सभी बच्चे इसी तरीके से इस टेबल को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट विल बी द कोविड वैक्सीनेशन एज लिमिट इन इंडिया फ्रॉम मे वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एक मई से भारत में वैक्सीनेशन की एज लिमिट क्या होगी तो एटीन प्लस है यानी कि अट्ठारह साल से ऊपर की एज नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर अब दिस एज लिमिट इस एज से ऊपर के कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके परिवार में तो टू हैं जैसे कि मेरी फैमिली में तो आप भी काउंट करके पूछ कर लिखेंगे हाउ मेनी मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली आर वैक्सीनेटेड टिल नाउ अब तक आपके घर में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो मेरे घर में जैसे कि अभी एक को भी नहीं लगी है तो आप यहाँ पर पूछ कर लिखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल द फॉलोइंग कंटेनर्स विद वाटर यूजिंग ए कप बच्चों यहाँ पर दिए गए कंटेनर्स को एक कप का यूज़ करके पानी से भरना है हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल बी नीडेड टू फिल ईच कंटेनर प्रत्येक कंटेनर को भरने के लिए कितने कप पानी की जरूरत होगी तो यहाँ पर कंटेनर है बॉटल बॉटल को भरने के लिए सिक्स कप पानी की जरूरत होगी मग को भरने के लिए सिक्स कप वाटर की जरूरत होगी ग्लास को फिल करने के लिए टू कप पानी की जरूरत होगी जग को फिल करने के लिए सिक्स कप की और फ्राइंग पैन को फिल करने के लिए फाइव कप की नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल द फॉलोइंग कंटेनर्स विद वाटर यूजिंग ए मग बच्चों यहाँ पर मग का यूज करके कंटेनर्स को फिल करना है हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर विल बी नीडेड टू फिल ईच कंटेनर प्रत्येक कंटेनर को भरने के लिए कितने मग पानी की जरूरत होगी यहाँ पर है बच्चों टब टब को भरने के लिए ट्वेंटी फाइव मग की पानी की जरूरत होगी नेक्स्ट है वाटर जैग वाटर जग को फिल करने के लिए ट्वेंटी मग वाटर की जरूरत होगी जग को फिल करने के लिए वन मग वाटर की जरूरत है बकेट को फिल करने के लिए ट्वेंटी मग वाटर की जरूरत होगी नेक्स्ट है कुकर कुकर को फिल करने के लिए टू मग वाटर की जरूरत होगी नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉ द पैटर्न यूजिंग द डॉट्स गिवन बिलो बच्चे यहाँ पर डॉट्स का यूज़ करके कंप्लीट करना है पैटर्न को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से डॉट हैं और ये पैटर्न बना हुआ है तो यहाँ पर भी बच्चों डॉट्स दी गई हैं आप भी इन्हीं डॉट्स का यूज़ करके पहले ये स्क्वायर बनाएंगे आप आखिर देख सकते हैं फोर स्क्वायर बनाएंगे सबसे पहले बीच में एक बड़ा स्क्वायर बनाएंगे उसके बाद में बच्चों एक एक जो पॉइंट है बीच में इन्हें आपस में मिला देंगे और आपका जो है ये डिज़ाइन बन जाएगा उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो ये लाइन है इसके जस्ट सामने जो पॉइंट्स हैं चारों साइड में उन्हें आप आपस में मिला देंगे तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बच्चों फोर फोर स्क्वायर आप इस पॉइंट से मिलाएंगे और आपकी जो है ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा नेक्स्ट है एक्टिविटी कंप्लीट द पैटर्न गिवन ब्लू नीचे दिए गए पैटर्न को कंप्लीट करना है बच्चों यहाँ पर देखिए ये पॉट है पॉट है पहला ब्लू उसके बाद रेड फिर से ब्लू है फिर रेड है तो अब अगला पॉट कैसा होगा ब्लू उसके बाद रेड फिर से ब्लू नेक्स्ट है बच्चों ए ए उसके बाद है बी ए फिर है ए बी तो अगला पैटर्न क्या होगा ए ए और उसके बाद बी नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर एक पत्ती है उसके बाद तीन उसके बाद कंप्लीट फ्लावर है फिर से एक पत्ती है फिर से तीन है उसके बाद कंप्लीट फ्लावर है तो अगला जो पैटर्न होगा वो किसका होगा एक पत्ती का उसके बाद तीन पत्ती है और फिर कंप्लीट फ्लावर होगा अब बच्चों नेक्स्ट है ये यहाँ पर देखेंगे सभी स्क्वायर है इसके फोर पोर्शन हैं तो इसमें जो अपर साइड का पोर्सन है वो ब्लू है उसके बाद लेफ्ट साइड का पोर्सन ब्लू है उसके बाद है बच्चों जो डाउन साइड का पोर्सन है वो ब्लू है तो बच्चों जो अगला पैटर्न होगा वो कैसा होगा तो जो राइट साइड का पोर्सन है वो ब्लू होगा उसके बाद जो अपर साइड है फिर से हम उसे ब्लू करेंगे उसके बाद लेफ्ट साइड और फिर डाउन साइड अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये सेमी सर्कल जैसी शेप में एक पैटर्न है पहले बच्चों इसकी जो ये राउंड शेप है अप साइड में है उसके बाद राइट साइड में है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद है डाउन साइड में फिर है बच्चे लेफ्ट साइड में उसके बाद फिर से अप साइड में है उसके बाद बच्चों कौन सी सेप होगी उसके बाद होगी राइट साइड में ये राउंड साइड की सेप है ये फिर राइट right साइड में होगी उसके बाद डाउन साइड उसके बाद लेफ्ट फिर से अप साइड और फिर राइट right साइड इस तरीके से आप इन पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट है एक्टिविटी नोट द फूड यू ईट इन अ वीक बच्चों आपको उस फूड को नोट करना है इस टेबल में जो आप वीक में खाते हैं एंड देन कंप्लीट द गिवन टेबल और फिर इस टेबल को कंप्लीट करना है ब्रेकफास्ट में आप मंडे को क्या लेते हैं लंच में क्या लेते हैं डिनर में क्या लेते हैं तो इस तरीके से आप डे वाइज डे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की पूरे फूड को आप यहाँ पर फिल करेंगे जैसे कि मंडे में आपने सुबह को पॉरेज लिया दलिया लिया दोपहर को आपने दाल और रोटी ली और शाम को आपने जैसे छोले पूरी लिए तो इसी तरीके से आप डे बाई डे इसे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी है देर आर ट्वेंटी फोर आवर्स इन ए डे एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं वी मस्ट डू आवर वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल हमें अपना कार्य टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना चाहिए ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द गिवन क्लॉक सोइंग योर डेली रूटीन बच्चों आपको यहाँ पर क्लॉक दिए गए हैं इनमें आपको अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग हैंड्स को ड्रॉ करना है वॉट डू यू डू एट दिस टाइम कि आप इस समय पर क्या करते हो योर वेकअप टाइम क्या है सिक्स थर्टी है यानी कि साढ़े छः बजे तो साढ़े छः कब बजेंगे जब दोनों सुइयाँ सिक्स पर होंगी जो बिग हैंड है और स्मॉल हैंड है वो सिक्स पर होगा नेक्स्ट यू टेक बाथ आप कितने बजे नहाते हैं सेवन ए एम यानि कि सात बजे तो सात कब बजते हैं क्लॉक में जब छोटी सुई सेवन पर होगी और बड़ी ट्वेल्व पर नेक्स्ट है यू स्टार्ट डूइंग हॉलीडे होमवर्क अपना हॉलीडे होमवर्क करना आप कब स्टार्ट करते हैं नाइन ओ क्लॉक यानी कि नौ बजे नौ कब बजते हैं जब छोटी सुई नौ पर होगी और ट्वेल्व पर बड़ी सुई होगी उसके बाद है यू प्ले एट होम घर पर कब खेलते हैं फाइव पी एम यानि कि पाँच बजे तो पाँच कब बजते हैं जब छोटी सुई पाँच पर हो और बड़ी सुई बारह पर हो नेक्स्ट है यू हेल्प योर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की कब मदद करते हैं सिक्स पी एम यानि कि छः बजे छः कब बजते हैं जब छोटी सुई सिक्स पर हो और बड़ी सुई बारह पर हो नेक्स्ट है यू स्लीप एट नाइट रात में कब सोते हैं एट थर्टी पर यानी कि साढ़े आठ बजे तो साढ़े आठ कब बजते हैं जब छोटी सुई एट और नाइन के बीच में हो और बड़ी सुई सिक्स पर हो तो तब साढ़े आठ बजते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है टू फ्रेंड्स अमन एंड शेफ़ गेस्ट द टाइम गिवन इन द टेबल बिलो एंड रॉड द आंसर अमन और सैफ जो कि टू फ्रेंड्स हैं उन्होंने टेबल में दिए गए टाइम को गैस किया अनुमान लगाया सर्कल द करेक्ट आंसर तो बच्चों आपको यहाँ पर जो सही टाइम है उस पर सर्कल करना है यहाँ पर फर्स्ट जो क्लॉक है इस क्लॉक को देख कर अमन ने अनुमान लगाया कि क्लॉक में टाइम है तीन बजकर पचास मिनट और सैफ ने अनुमान लगाया चार बजकर पचास मिनट तो इसमें करेक्ट जो आंसर है वो अमन का है इस क्लॉक में टाइम है तीन बजकर पचास मिनट नेक्स्ट है नेक्स्ट क्लॉक में अमन ने टाइम बताया बारह बजकर पंद्रह मिनट और सैफ ने बताया कि तीन बजे हैं तो करेक्ट जो आंसर है वो है अमन का इस क्लॉक में टाइम है बारह बजकर पंद्रह मिनट नेक्स्ट है अमन का अनुमान था कि क्लॉक में टाइम है पाँच बजकर पैंतालीस मिनट और सैफ ने बताया कि क्लॉक में टाइम है नौ बजकर तीस मिनट तो इसमें सही आंसर किसका है सैफ़ का इस क्लॉक में टाइम है नौ बजकर तीस मिनट नेक्स्ट है अमन के हिसाब से टाइम था नौ बजे हैं सैफ़ ने बताया कि इसमें दस बजे हैं तो यहाँ पर सैफ़ का जो आंसर है वो सही है इस क्लॉक में टाइम हुआ है टेन ओ क्लॉक का नेक्स्ट है अमन के हिसाब से क्लॉक में टाइम था दो बजकर पचपन मिनट और सैफ़ के हिसाब से तीन बजे हैं तो यहाँ पर सही जो आइडिया है वो अमन का है इस क्लॉक में टाइम है टू फिफ्टी फाइव नेक्स्ट है फाइंड द नंबर्स गिवन बिलो इन द टेबल एंड कलर देम अकॉर्डिंगली बच्चे यहाँ पर टेबल में दिए गए नंबर को फाइंड आउट करना है और उनमें बताए अनुसार कलर करना है रेड कलर किस किस में करना है फिफ्टी वन में फोर्टी प्लस फाइव कितने होते हैं फोर्टी फाइव थर्टी माइनस टू कितने होते हैं ट्वेंटी एट और ट्वेंटी तो यहाँ पर हमें फिफ्टी वन में फोर्टी फाइव में फोर्टी एट में ट्वेंटी एट में और ट्वेंटी में रेड कलर करना है उसके बाद है ग्रीन कलर ग्रीन कलर करना है हमें 65 फाइव यानी कि सिक्सटी फाइव में नाइन्टी नाइन प्लस वन कितने होते हैं वन हंड्रेड वन हंड्रेड में सिक्सटी माइनस थ्री होते हैं फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन में करना है और ट्वेंटी वन में करना है ब्लू कलर करना है एट्टी एट्टी में ब्लू कलर करना है फिफ्टी माइनस टू होते हैं फोर्टी एट तो फोर्टी एट में ब्लू कलर करना है ट्वेंटी प्लस एट होते हैं ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट में भी हम ब्लू कलर करेंगे लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है नाइन्टी नाइन तो यहाँ पर नाइन्टी नाइन में भी हमें ब्लू कलर करना है नेक्स्ट है एक्टिविटी कलेक्ट डिफरेंट कॉइंस बहुत सारे सिक्के अलग अलग प्रकार के लें कीप कॉइन ऑन द फ्लैट टेबल और एक समतल टेबल पर कॉइन को रख दें प्लेस अ पेपर ऑन इट इसके ऊपर एक पेपर रख दें विद वन हैंड होल्ड द पेपर टाइटली और एक हाथ से पेपर को टाइट से पकड़ लें रब द टिप ऑफ द पेंसिल और वैक्स कलर ओवर द पेपर सॉफ्टली और पेपर के ऊपर या तो वैक्स कलर या फिर पेंसिल से बहुत आराम से रगड़ें टू ट्रेस द कॉइन कॉइन को ट्रेस करने के लिए स्लोली फेस ऑफ कॉइन विल अपेयर ऑन द पेपर धीरे धीरे जो कॉइन का फेस है वो पेपर पर अपेयर होगा आफ्टर ट्रेसिंग काउंट द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रेस्ट कॉइन्स और इस प्रकार ट्रेस करने के बाद ट्रेस्ट कॉइन की वैल्यू को आप काउंट करेंगे तो बच्चों आप इस तरीके से ने ट्रेस करेंगे एक्टिविटी है स्प्लिट द गि नंबर अगेन एंड अगेन एज सोन इन एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है आपको नंबर्स को डिवाइड करना, करना है स्प्लिट करना है नंबर है नाइन्टी नाइन्टी को हमने डिवाइड किया है फिफ्टी और फोर्टी से फिर बच्चों यहाँ पर फिफ्टी को डिवाइड किया गया है थर्टी और ट्वेंटी से थर्टी को डिवाइड किया गया है फिफ्टीन और फिफ्टीन से ट्वेंटी को टेन और टेन से तो इसी तरीके से हमें फोर्टी को डिवाइड करना है तो फोर्टी को डिवाइड करेंगे हम टेन और थर्टी से टेन को डिवाइड करेंगे फाइव फाइव से और थर्टी को डिवाइड करेंगे फिफ्टीन फिफ्टीन से नेक्स्ट है वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड टेन को डिवाइड करेंगे हम फिफ्टी और सिक्सटी से फिफ्टी को डिवाइड करेंगे हम ट्वेंटी और थर्टी से ट्वेंटी डिवाइड करेंगे टेन और टेन से टेन और टेन ट्वेंटी होते हैं और थर्टी को फिफ्टीन फिफ्टीन से ट्वेंटी को फिर हम टेन टेन से करेंगे और फोर्टी को ट्वेंटी ट्वेंटी से नेक्स्ट एक्टिविटी है लुक एट द मेजरमेंट रिटर्न ऑन द पैकेट और पैकिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन योर होम बच्चों आप अपने घर में दिए गए आइटम्स पर लिखे हुए मेजरमेंट को देखेंगे एंड मार्क टिक इन द कंसर्न बॉक्स ऑफ द यूनिट इन विच दीज आर मेजर और उस यूनिट पर आपको टिक का निशान लगाना है मार्क करना है जिसमें इन्हें मेजर किया जाता है नापा तोला जाता है तो फर्स्ट है ए सैक ऑफ व्हीट व्हीट को किस में मेजर करते हैं किलोग्राम में पैकेट ऑफ मिल्क मिल्क को किस में तोलते हैं नापते हैं लीटर में फैब्रिक ऑफ सूट सूट के कपड़े को मीटर में पैकेट ऑफ चिली पाउडर मिर्च के पैकेट को ग्राम में ए बैग ऑफ राइस चावल के बैग को क्लोग्राम में नेक्स्ट एक्टिविटी है द नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन द सर्कल सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज ट्वेल्व बच्चों आपको इन नंबर्स को इस फिगर में इस तरीके से रखना है कि प्रत्येक साइड का जो सम हो वो ट्वेल्व होना चाहिए तो हम इस तरीके से इन नंबर्स को रख लेंगे फर्स्ट साइड को जोड़कर देखेंगे सिक्स टू एट और फोर कितने होते हैं ट्वेल्व सेकेंड साइड फोर और थ्री सेवन और फाइव ट्वेल्व थर्ड साइड है सिक्स और वन सेवन और फाइव प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे ट्वेल्व तो आप इस तरीके से इस एक्टिविटी को करेंगे स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू